मार्केट में मिलने वाली क्रीमी आइसक्रीम कैसे हम घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं शिफालिस किचन में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है आइसक्रीम बेस एंड वनीला आइसक्रीम कैसे हम घर पर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, तभी आपको एक परफेक्ट आइसक्रीम जो क्रीमी आइसक्रीम होती है घर पर बनानी आएगी। तो उसके लिए आप वीडियो को हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कौन सी क्वांटिटी में मैं कैसी चीज़ डाल रही हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है और मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम बनाने में भी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं केक, आइसक्रीम, बिस्किट जो भी हो घर में, जो भी जिसे कहते हैं पॉसिबल हो सकता है रेसिपीज़ में, देसी खंड का ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी हेल्दी रहती है ये, चीनी से ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर आपको चीनी लेनी है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया। अगर हम स्पून की बात करते हैं तो मैंने 10 टेबल स्पून इसको चीनी का डाला है और इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट्स अपने लिए हैं और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दूध लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून और उसके बाद मैं यहाँ पर GMS पाउडर डालने जा रही हूँ। GMS पाउडर क्या होता है कि ये पाउडर के फॉर्म में भी आता है और थोड़ा सा मोटा भी आता है। आपको जिस टाइप का भी मिले आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दूध में घुल ही जाता है, जब ये गर्म होता है तो मेल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 पिंच जो है CMC पाउडर लिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको मैं आगे बताऊँगी कि कैसे ये आइसक्रीम में इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 टेबल स्पून। इन चारों चीज़ों को हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये चारों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इसे ठंडे दूध के अंदर ये काम करना है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध होता है आप उसके अंदर इसे घोलिए। अगर हम इसको गर्म दूध में डालते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें गांठें पड़ जाती हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, मिल्क पाउडर है, तो वो गांठें एकदम से पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमें इसको अलग रखना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर दूध की क्वांटिटी जो मैंने ली है 750 ग्राम ली है फ्रेंड्स। और कैसे 750 ग्राम की ये आइसक्रीम जो है फूल कर 2.5 लीटर के करीब पहुंच जाती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब इन सब चीज़ों को हम एक साइड पर रख देंगे घोल के। और मैंने यहाँ पर दूध जो लिया हुआ था 500 ग्राम, उसमें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, मैंने उसे गैस पे रख दिया था। और जैसे एक उबाल आता है हम इसको स्लो कर देंगे गैस को। और उसके बाद जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है 4 चीज़ों का, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, जो GMS पाउडर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है आइसक्रीम को प्लफी बनाना और सॉफ्ट करना। सबसे पहली बात, प्लफी करता है वो, जैसे कि हम मैंने यहाँ पर 750 ग्राम दूध लिया है तो ये आइसक्रीम को फुला कर जो प्लफी करता है, जो ये उसको 3 लीटर के करीब आइसक्रीम हमारी बन जाती है उससे। और जो CMC पाउडर है वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि हमारी जो आइसक्रीम है वो हमें बिल्कुल ज़रा सा डालना, 1 पिंच ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। उसकी क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल ही कम डालना है, 1 पिंच ही डालना है। उससे क्या होता है, हमारी आइसक्रीम जो है जल्दी मेल्ट नहीं होती है। जब हम सर्व करने लगते हैं किसी के सामने तो कई बार क्या होता है, मार्केट से भी आप लेकर आते हो तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। आप फ्रीजर से निकालते हो, गर्मी ज़्यादा होती है तो 2 मिनट के लिए भी हम बाहर निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि आइसक्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो CMC पाउडर जो होता है वो उसे बचा कर रखता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होने देता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से जो हमारा गर्म दूध था उसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए, हमने जो टेक्सचर देखना है दूध का, उसका हमारा ये जो मैं आपको दिखा रही थी, वीडियो चल रही थी और मैं आपसे बात कर रही थी, तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि हाँ, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए जो बेस का होता है ना, इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, बिल्कुल सेम टेक्सचर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा टेक्सचर होगा दूध का तो आपका जो आइसक्रीम बेस है बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं गैस के ऊपर ऐसा टेक्सचर करते हुए। अब हम इसे एक कंटेनर में रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड ये बेस हमारा तैयार हुआ है। इसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मैं आपको यही बताऊंगी, जो स्टेप बता रही हूँ कि काफ़ी दिक्कत आती है चाकू से हम निकालते हैं तो,
मैंने इसे स्कूपर से निकाला है फ्रेंड्स। अब हमने एक बड़े पतीले के अंदर इसे सारी आइसक्रीम को मैंने निकाल लिया है और इसको हम हाई जो बीटर होता है, डबल बीटर जो होता है डबल वाला, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम चलाएंगे नहीं, उससे हल्का सा मैश कर लेंगे आइसक्रीम को। उसके बाद हम इसे स्लो मोड पे चलाएंगे, बिल्कुल स्लो मोड पे चलाना है हमने, 1 या 2 की स्पीड पे ही रखना है। और आप देख सकते हैं पतीला मैंने यहाँ 5 लीटर का लिया और 1 लीटर के करीब ये बना होगा। 750 ग्राम है तो 750 और आप और चीज़ें लगा लो तो थोड़ा 800 ग्राम के करीब ये होगा यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा। और कैसे ये प्लफी होकर 3 लीटर के पास आएगा आप खुद देखिएगा। और ये काम होगा सिर्फ डबल बीटर में। 3 चीज़ें इस आइसक्रीम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, GMS पाउडर, CMC पाउडर और डबल बीटर। आप कभी भी भूल कर भी सिंगल ब्लेंडर का यूज़ मत कीजिए इसमें, ना ही मिक्सी का यूज़ कीजिए। मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई लोग पागल बना रहे हैं चैनल्स में कि हाँ आप मिक्सी में बनाएंगे तो आपकी प्लफ ही बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरे ऊपर फेथ है मेरे व्यूवर्स, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये काम मत कीजिएगा, सब वेस्ट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपकी आइसक्रीम प्लफ ही नहीं बनेगी। और कई वीडियोज़ मैंने देखी हैं, मैंने सुना है कई लोगों से, वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि कॉर्नफ्लोर डालने से ही बस आइसक्रीम जो है प्लफ ही बन जाती है, उसमें CMC और GMS पाउडर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर फ्रेंड्स वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जस्ट पागल बनाया जा रहा है आप लोगों का। आप खुद समझदार बनिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1-2 मिनट जो है स्लो रखा था, जो हमारा ये ब्लेंडर चल रहा था उसकी स्पीड जो थी स्लो रखी थी। अब हमने बिल्कुल हाई मोड पर इसे चला देना है और इसे लगातार घुमाते जाना है। इससे क्या होता है कि ये जो हमारी आइसक्रीम है प्लफी होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको जो बता रही थी उसके बारे में बता रही हूँ कि खाली कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर डालकर आप आइसक्रीम का बेस जमाकर आप उसको प्लफी नहीं कर सकते, जब तक कि उसमें GMS पाउडर नहीं डलेगा। GMS पाउडर का काम ही प्लफी करना होता है। अब फ्रेंड्स मेरी ये हाफ आइसक्रीम जो वो आइसक्रीम प्लफी हुई है, अभी हाफ हुई है और इतने में हम इसे 1 मिनट के लिए रोक देंगे। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाला है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। GMS पाउडर व CMC पाउडर भी आसानी से मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, कई बार दिक्कत आती है, बट छोटी पैकिंग नहीं मिलती है, पर कई शॉप्स पे आपको मिल भी जाएंगी। तो आप इसे नहीं तो आप इसे अमेजोन पे भी मंगवा सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लगातार हाई स्पीड पे इसको चलाते जाएंगे। 1 मिनट के लिए हमने रोकना है बीच में, उसके बाद फिर से हम ये काम करेंगे। इसको कम से कम 10 मिनट में हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो जाती है, लगातार हम इसे बीट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये आइसक्रीम बनती है। आप बेकार की बातों में बिल्कुल मत आइए, GMS पाउडर के बिना कभी भी आइसक्रीम प्लफी नहीं बनती है, कभी भी क्रीमी नहीं बनती है। सेकंड बात कि बिना बीटर के, डबल बीटर के, आप जो व्हिपिंग क्रीम वाला बीटर होता है उसके आप आइसक्रीम बनाने की सोचना भी मत। मिक्सी के जार के अंदर आपकी आइसक्रीम, एक तो वो मिक्सी का जार ही ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये जो बेस होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो मैं आइसक्रीम बना रही हूँ कितनी प्लफ़ी हो चुकी है, 3 लीटर से ऊपर ही जा रही है ये। और मैंने 750 ग्राम यहाँ पर दूध लिया था, और दूध भी मैंने यहाँ पर, जो आपको सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, काओ का मिल्क लिया था मैंने यहाँ पर, कोई मैंने हैवी मिल्क नहीं लिया था यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है, बिल्कुल क्रीमी तैयार हुई है, मार्केट जैसी, जैसे कि अमूल वगैरह की आती है। तो आप इसे बनाएं, बहुत ही इजी है इसे तैयार करना, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो नए व्यूवर्स इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे यही कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फ्रेंड्स हमने इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर, एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर हमने इसे रखना है और इसे फ्रीज कर देना है। 3 से 4 घंटे में हमारी ये आइसक्रीम जम जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम है ये हमारी तैयार हुई है, और वनीला आइसक्रीम तैयार हुई है। इसके आगे फ्लेवर जो हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मेरी पहले भी वीडियो मैंने इसके ऊपर डाली हैं, पहले बेस की भी डाली हैं, एक्चुअली उसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैंने ये, मेरी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप एक बार और वीडियो बनाएं आइसक्रीम बेस के ऊपर, तो मैं तभी करके ये दोबारा से वीडियो बनाई है मैंने। तो आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम तैयार हुई है, वनीला आइसक्रीम आप इजी ढंग से घर पे बना सकते हैं। और मैंने ये चॉकलेट सॉस इसके ऊपर डाल रही हूँ, इसकी रेसिपी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। चॉकलेट सॉस की भी बहुत ही ईजी होती है घर पर तैयार करनी बिना चॉकलेट के।
तो फ्रेंड्स यही कहूँगी, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और फालतू की जो वीडियोस आती हैं उनसे दूर रहिए, वो आपको खुद पता होना चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।